अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें। साबिक वजीर आजम ने वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा करवा दी। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज करते हुए समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नैब और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए 7 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि नवाज शरीफ का रवैया इंतहाई शर्मनाक है। दरख्वास्त गुजार हस्ता होगा कैसे सारे निजाम को धोखा देकर चला गया। नवाज शरीफ का बैरून मुल्क जाना पूरे निजाम की तस्दीक है। आइंदा ऐसा न हो हुकूमत को भी ख्याल करना होगा। अदालत में रिपोर्ट जमा करवाई गई कि नवाज शरीफ ने वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार कर दिया, जिस पर वारंट की तामील के लिए जाने वाले अफसरान के बयानात कलमबंद करने का फैसला किया गया। अदालत ने एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत भी 7 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी।